अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शुएब और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल सिंधी ट्रैवलर। आप सब दोस्तों को एक मरतबा दोबारा वेलकम। जिन्होंने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा है इसको क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि वो मेरी वीडियोज़ जल्द से जल्द हासिल कर सकें। आज मैं आपको जहाँ पर लेके आऊँ, ये सक्खर शहर का एक तारीखी मकाम है। यहाँ पर जो हमारे सिंध के जो हुक्मरान थे ये उनका मकबरा है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ, इनका जो नाम है थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ मैं आपको। पहले मैं दिखा देता हूँ और उसके बाद फिर आपको बता देता हूँ इसके बारे में। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये उनका मकबरा है और ये आप बोर्ड भी देख रहे हैं, यहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ है। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये बेसिकली है क्या, कब यहाँ है और क्या इनकी काविशें हैं सिंध के हवाले से। तो ये एक फॉरबिडन जो है वो तारीखी मकाम है, लेकिन इसको इंतज़ामिया बिल्कुल भूल चुकी है। यहाँ पे इतना कोई डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूं कि बेसिकली इनका जो नाम है वो है हज़रत शहीद मियां आदम मोहम्मद शाह। और ये जो है कल्होड़ो मियांवाल जो है तहरीक के बानी थे और इनकी जो शहादत है वो 1600 इसी सन में है। और उसके बाद ये जो मकबरा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो है बेसिकली मकबरा ये तकरीबन 1768 में जो है ये तामीर हुआ था। और उसके बाद मियां ग़ुलाम शाह कल्होड़ो साहब जो हाकम सिंध थे उस वक्त में, उन्होंने ये तामीर करवाया था। जो यहाँ का जो तामीर है या तर्स है वो आपको मैं आपको बता दूं कि बेसिकली वो जो है ठट्टा मकली से मिलता जुलता है, लेकिन ये कि इस जो ये बादशाह थे यहाँ के, इस वक्त के हाकिम थे, उसको बिल्कुल ही भुला दिया गया। यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई ऐसी सहूलत मुझे नज़र नहीं आ रही। हालाँकि ये सक्खर सेंटर के सक्खर शहर के बीच में है, लेकिन ये है कि लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन यहाँ पे अब तो कब्ज़ा माफिया बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी तबाह हाल चुका है, ज़बूं हाल हो चुका है। इस तरफ जो मकबरा देख रहे हैं ये उनके मतवली थे जो यहाँ पे पहले संभालते थे। ये भी तकरीबन 350 साल पुराना मकबरा है, लेकिन इसकी भी हालत बड़ी ख़राब है और ये किसी वक्त भी मनहदम हो सकता है। और मैं आपको थोड़ा सा पीछे दिखा दूँ, मेरे ये अगर मेरे आप पीछे देख रहे हैं कि ये जो मस्जिद है ये पहले पुरानी मस्जिद होती थी जो उस दौर में बनाई गई थी, लेकिन ये उसके बाद अब उन्होंने शहीद कर दिया, लेकिन इसको दोबारा बना रहे हैं। और मैंने अभी यहाँ के इंतजामिया से पूछा कि यहाँ पे कौन लोग होते हैं, तो उन्होंने बताया कि जी यहाँ पे 2-3 लोग होते हैं जो इस पूरे माहौल को संभालते हैं, पूरे इसकी निगरानी करते हैं। लेकिन उनकी भी बड़ी शिकायतें थी और वो ये कह रहे थे कि हमें कोई प्रॉपर फंडिंग नहीं होती, प्रॉपर कोई चीज़ नहीं होती, गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं है। तो बड़ी पैथेटिक सिचुएशन है, लेकिन यह है कि ये सक्खर सिटी सेंटर है, यहाँ से आप पूरे सक्खर का नज़ारा कर सकते हैं। तो चले मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि आप यहाँ से पूरे सक्खर का नज़ारा कर लें। और ये बहुत ही ऊंचाई पे है। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हम जो है मासूम शाह के मीनारा पे गए थे, उसका आपको मैंने बताया था, लेकिन अभी मैं इसका बता रहा हूँ। तो ये भी काफ़ी ऊँचाई पर, तो सक्खर सिटी में ये काफ़ी अच्छी जगह है, लेकिन इनको इंतजामिया भूल चुकी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। चले मैं आपको दिखाता हूँ, टूर करवाता हूँ कि आप देख लें चारों तरफ से, और उसके बाद फिर बात करते हैं।
السلام علیکم فرینڈس، دوبارہ گھوم کے آنے کے بعد ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ کیکر کی چھاؤں میں، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بیسیکلی بہت ہی اچھی جگہ ہے، بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بہت سارے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، اپنی دعائیں مانگتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں جو یہاں کے حاکم سندھ ہے۔ لیکن یہ کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ زبوں حالی کا شکار ہے، یہاں پہ کوئی ایسی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، تو بہرحال یہ تو وقت کے اور حالات کے ساتھ ہے کہ کبھی کے بادشاہ اور کبھی کے کیا۔ تو وہ جیسے ایک شعر بھی ہے کہ صبح کے بادشاہ جو ہے شام کو جو ہے مطلب کہ غلام ٹھہرے، اور اس طریقے سے تو اوور آل سچویشن بڑی پیتھیٹک ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ضرور سبسکرائب کریں، اور جو آنے والی ویڈیوز ہیں اس کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ یہ میسیج، یہ ویڈیوز اور زیادہ دوستوں تک پہنچ سکیں۔ چلیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ملتے ہیں آگے، اپنا خیال رکھیے گا اور ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ Thank you.